नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं मुंबई बाग में प्रदर्शन के सिलसिले में आज 13 लोगों की डेलीगेशन ने महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की है। आपको बता दें कि देशमुख ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म करने को कहा है। आपको बता दें कि महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। मुंबई में जो 3-4 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के वक्त या उसके कुछ महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है, गद्दार नेता है, उनके फोन टैप करने की कोशिश किया। उसके लिए शासकीय यंत्रणा का ऑफर किया, उसके लिए शासकीय अधिकारियों का ऑफर किया। ये शासकीय अधिकारियों को इसराइल भेजा गया, वहां से सॉफ्टवेयर लाया गया और उसके जरिए से कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के सभी नेताओं का, उनकी टेलीफोन पे जो बात होती थी वो सुनने का काम किया, ताकि उसका राजकीय फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। ऐसी जब कंप्लेंट हमारे पास आई तो उसकी जांच के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने हमारे दो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, उनकी कमेटी का गठन किया है। पहले अधिकारी उसमें एसीएस होम हमारे श्रीकांत सिंह जी और दूसरे अधिकारी है जॉइंट कमिश्नर एसआईडी मिस्टर अमितेश कुमार। ये दोनों अधिकारी इसकी जांच 6 हफ्ते के अंदर करेंगे और अपना रिपोर्ट यहाँ पे देंगे। देशमुख ने यह भी कहा था कि हमारी सरकार ने पहले ही ये आश्वासन दिया है कि सीए, एनआरसी और एनपीआर के चलते किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। दूसरी बात, जो वर्धा में जो एक प्राध्यापिका थी उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया, बड़ी गंभीर वो जख्मी हुई है। उसका जो आरोपी है बीकी उर्फ ज्ञानेश्वर नगराळे, उसको अभी कुछ देर पहले उसको ताबे में हमारे जो वहां की पुलिस है उन्होंने लिया और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई के आजाद मैदान में सरजील इमाम के समर्थन में लगाए गए नारे के संदर्भ में अनिल देशमुख ने कहा कि एलजीबीटी कम्युनिटी को परमिशन दी गई थी, लेकिन इस प्राइड मार्च में उर्वशी चुंडावाला नाम की महिला कुछ लोगों के साथ शामिल हुई और नारेबाजी करने लगी। जल्दी उर्वशी चुंडावाला पर कार्रवाई करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जो CAA, NRC और NPR, इसके खिलाफ में जो आंदोलन चालू है, वहां पे किसी तरह की पुलिस की परमिशन वहां पे न लेते हुए आंदोलन चालू था। आज वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी, वहां की कुछ महिला है, वहां पे कुछ विधायक जो है, विधायक और माजी विधायक ऐसे कुछ 20-22 लोग मंत्रालय में आए थे और हमारे सभी पुलिस अधिकारी वहां पे थे। उनके साथ में हमारी बातचीत हुई और बातचीत बहुत ही सकारात्मक हुई और जल्द से जल्द इसके बारे में वो निर्णय लेने वाले। कोई डेडलाइन है इसके लिए? हफ्ते खाली कर दिया है कि एनआरसी यहां पे लागू नहीं होगा महाराष्ट्र में। आपने लिख के दिया है, वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि आपने लिख के दिया कि कोई भी महाराष्ट्र के शहरी की शहरीयत नहीं जाने वाली है। ऐसा है कि CAO हो, NRC हो या NPR हो, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने और होम मिनिस्टर करके मैंने आपके जरिए ये बात वहां तक पहुंचाई है कि कोई भी एक भी आदमी के ऊपर महाराष्ट्र में उसकी कार्रवाई नहीं होगी और इसकी कोई किसी भी तीनों जो है CAA, NRC और CAO, NRP
इसके तहत किसको भी तकलीफ नहीं होगी और एक भी आदमी की भारत में नागरिकत्व छीनी नहीं जाएगी। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह की देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।